हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक नया दिन है और एक नया ब्लॉग है और हम दोनों फिर से आ गए हैं आप लोगों को कहीं एक सुंदर जगह की सैर कराने। तो बोलो, इसका जो फ्लैट है इसको तो अभी होम डेकोर के आइटम से सजाने का काम चल रहा है, तो आज सेकंड डे हम लोग जा रहे हैं और नए होम डेकोर के आइटम्स लाने। वो कहाँ है, कैसे जाना है, एकदम जाके ना पता चलेगा। एकदम सही, बने रहिए और जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। डेस्टिनेशन की तरफ बोल दो, बोल मी कौन सा है डेस्टिनेशन। ये है ईएम बाईपास के पास, यानी कि बाईपास ढाबा के पास है। बिल्कुल, लेकिन आंखें खोल के रखना होगा। लोकेशन मैं नहीं बताऊंगी, वो तो आप ही को ढूंढना है। हम तो सिर्फ चीजें दिखाएंगे और खरीदेंगे। चलिए चलते हैं दुकान की तरफ। एकदम चलिए। नए फ्लैट को एस्थेटिक चीजों से सजाना किसको नहीं पसंद है, तो मैं और दीदी पहुंच गए इस बंजारा होम डेकोर के चीजों को खरीदने। यहाँ पे एक से एक बढ़िया एकदम बंजारा यानी कि बोहो टाइप्स चीजें थे। यहाँ पे प्लांटर्स, फेस मास्क, विंड चिम्स, हर तरह के चीजें थे। प्राइस रेंज 600 to 1500। हाँ, लेकिन अगर आप बार्गेनिंग करना चाहो तो वो ज़रूर बार्गेनिंग के लिए हाँ कर देते हैं। यहाँ पे इतने सुंदर तरीके के फ्लावर वासेस थे कि मैंने और दीदी ने तो दो उठा ही लिया। कौन सा उठाया वो तो अभी नहीं बताएंगे, उसके लिए आपको दूसरा ब्लॉग देखना पड़ेगा। आइए तब तक देखते हैं कि यहाँ पे बंजारा टाइप्स कितने तरह के चीज़ें थे। और एक चीज़, अगर आपको भी अपना फ्लैट इस तरह से सजाना होगा तो इस पूरे वीडियो को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चल चल दीदी, और क्या है जल्दी से बता हमारे सब्सक्राइबर्स को। हाँ हाँ, फ्लैट का एक कोना जहाँ पे इस तरह के मुंह वाले प्लांटर से सजाया गया हो, उस कोने में बैठकर चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। अपने साथ बिताए गए इन चीज़ों के साथ पल हमेशा याद रहेंगे। अपना घर, अपने हाथ से सजाया गया घर किसी को ना पसंद हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इतने तरह के प्लांटर्स, इतने तरह के बोहो डिज़ाइंस कि यहाँ से हिलना मुश्किल था। लेकिन हिलना तो होगा ही, क्योंकि एक जगह से खड़े रहने पर ही तो नहीं होगा, ज़िंदगी तो आगे बढ़ता ही रहना होगा। अरे, ये विंड चिम्स तो बड़े सुंदर है। वैसे ये किस चीज़ के थे दीदी? ये सारे ही पोर्सेलिन के है। पोर्सेलिन के? तेरे घर के रंग के साथ कौन सा वाला मैच किया था ना? शायद येलो वाला। ओके, तो येलो वाला क्या हम लोगों ने खरीदा? तुझे क्या बताना है? वो तो धीरे धीरे पता चलेगा दोस्तों को, बस हमें फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो तो ये कर ही रहे हैं, लेकिन ये सब जानना चाहते हैं कि तूने इधर से क्या क्या खरीदा। अरे देखना, क्यूट क्यूट छोटू छोटू सा प्लांटर। प्लांटर्स भी थे और याद है कॉफी मग्स भी थे। इन कॉफी मग्स में तू और सुभाषदा जब चाय पियेंगे तब कैसा लगेगा रे? देख, यहाँ पे तो मेरा एकदम जो जो खरीदने का मन हो रहा था, मैं तुझे रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन तू खरीदने कहाँ दे रही थी मुझे। अरे बहुत ही मतलब पुराना पुराना सा लग रहा था, सच बताऊं। अरे यार, बंजारा पुराना ही लगता है, उसको तो तू थोड़ा सा अगर डस्टिंग कर लेगी तो वो वैसे ही साफ रहेगा। देख देख, ये बुद्धा, देख बुद्धा स्टैचू कितना सुंदर। तू देख, हम लोगों ने भी तो लिया है। बता मत, यहाँ पे बता मत। मैं भूल ही गई हूँ। इश, तूने कर दिया ना सिक्रेटरी विल चेक। कोई नहीं, लोग थोड़ा सा डिस्कस करे, सोचे कि क्या खरीदा। अरे दोस्तों, आप बताइए ना, आपको क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताइए हम लोगों को। तो हम लोग बंजारा होम डेकोर से थोड़ा आगे जब बढ़े, तब हमें यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा पीसफुल स्पॉट मिला, जो था मेट्रोपॉलिटन दुर्गाबाड़ी। यहाँ का माहौल इतना प्योर, इतना सैक्रेड, इतना पीसफुल कि क्या बताएं। मैं और दीदी सीधा अपने सामान खरीदे गए लेकर चले गए मंदिर के तरफ। आइए आपको भी इस भव्य मंदिर का दर्शन कराए। अगर आप लोग भी कभी बाईपास के तरफ जाए तो जरूर इस मंदिर पे जाइएगा। क्यों दीदी, बोल जरा। सही में बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को, चलिए ऊपर चलते।
कल एक नया टूर और नए होम डेकोर के साथ फिर से आ जाएंगे हम लोग दोनों मिलके। तो अभी करते हैं टाटा बाय बाय, शबा खैर, फिर मिलते हैं कल, बाय। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बाय।